यस, देखिए 360 डायमेंशंस में किस तरह से हम क्वेश्चन को सोच सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस के लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिखने में या मेथड से सॉल्व करने में टाइम लगता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ऑल द पेयर्स एक्स कॉमा वाई दैट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए आपको एक चीज समझनी है बहुत ही सिंपल से लॉजिक से कि इन क्वेश्चंस को क्या सही में इसी क्वेश्चन को अगर मैं मेथड से करूं तो कितना टाइम लगेगा। आप खुद अभी फील करेंगे कि मेथड से करने में टाइम तो लगेगा, और अगर इसी क्वेश्चन को लॉजिक से किया जाए तो कितना। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कहने को क्वाड्रेटिक का है, बट एक चीज हमेशा करो कि एंगल रख के कुछ हो रहा है कि नहीं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं कि एक्स की जगह जीरो रख दूं और वाई की, इसमें ये पूछा है कि ऑल द पॉइंट एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाई द इनइक्वलिटीज ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऐसी और कौन सी इक्वेशन है जिसको सेटिस्फाई ये कर रहा है इन चारों में से। तो अगर एक्स की साइन कॉस के कभी भी एंगल हो तो एक एंगल हमेशा याद रखिए, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो तो एक एंगल जीरो जरूर रखिए और एक पाई बाई टू। अब जीरो रखने पे टू की पावर रूट फाइव बचता है, और यहां पर वाई की भी मान लो थोड़ी देर के लिए जीरो रखे तो टू बाय फोर। तो इसकी जगह हम अगर इसमें चाहें तो अगर एक्स और वाई की जगह मैं पाई बाई टू रखूं तो क्या होता है। आपने पाई बाई टू रखा तो ये हुआ वन प्लस सिक्स यानी टू पावर रूट फोर अपॉन फोर पावर वन, यानी एक तरह से फोर अपॉन फोर लेस देन इक्वल टू वन, यानी एक्स और वाई की एक वैल्यू ऐसी है पाई बाई टू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। और वो वैल्यू अगर आप देखें ऑप्शन में तो किसको कर रही है, इन तीनों को नहीं कर रही। फट से आपने आंसर बोल दिया साइन एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ, बिल्कुल आप श्योरली बोल सकते, यानी जिस क्वेश्चन को मेथड से अगर कर रहे होते तो जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता वो बच गया। कहने को ये क्वेश्चन जेई का है, अभी 2019 में ही आया है, बट अगर आपने बहुत अच्छे से बेस बना के पढ़ाई की है तो मैं बोलूंगा आपको बन जाएगा। देखिए मेरे बहुत स्मॉल सेशन है पर मैं आपको हर सेशन में एक बात बोलूंगा, मिसगाइड मत होइए, बहुत ज्यादा गाइड सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है, जरूरत होता है स्ट्रांग कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करने का। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो हर क्वेश्चन कर लोगे, और आपने कंसेप्ट बनाए बिना कई सारी गाइड कर ली तो भी आपका टाइम चला जाएगा। यानी आपने कितने इजीली कर दिया कि आपने केवल क्या करा इसमें बेटा, पाई बाई टू रखने पर ये और ये दोनों सेम हो गए तो वन मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू वन बोला है। अब पाई बाई टू आपको दिख रहा है टू इक्वल टू थ्री तो नहीं होगा, यानी एक्स और वाई की जगह पाई बाई टू ले लिया। अब सपोज इसे मेथड से कर रहे होते तो ऐसा नहीं है कि मेथड से नहीं होता, आपसे हो जाता, बट थोड़ा सा आप देखिए क्या है यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स, चाहो तो आप इसे वन प्लस फोर भी लिख सकते हो, और इसे लिख सकते थे साइन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। अब आपको यह पता है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये जीरो होगा मिनिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर ठीक माइनस वन रख भी दें तो माइनस टू का स्क्वायर फोर यानी टू रूट टू, और अगर जीरो रख दें तो फोर, तो टू से टू रूट टू इसकी वैल्यू हो सकती है, राइट। यानी इसकी वैल्यू जो इसकी रेंज है वो आप ऐसा बोल सकते हैं टू से टू रूट टू। अब नीचे अगर आए तो फोर है और साइन स्क्वायर वाई है, तो इसकी रेंज क्या हो सकती है जीरो से वन। इसका मतलब जीरो से वन का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसका एक तरह से फोर की पावर जीरो यानी वन से लेके फोर तक। अगर वन से फोर तक तो ये टू स्क्वायर है, टू स्क्वायर भी फोर होगा, यानी यही एक कॉमन पेयर है। इसका मतलब वो कहां पर होगा, एक्स और वाई की वैल्यू पाई बाई टू। मैंने ये भी शॉर्ट में करा, अगर पूरी स्टेप लिखता तो काफी टाइम लग जाता। तो आप ये जो मेरे सेशंस हैं इन सेशंस को बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन में अक्सर आपको टाइम लग जाता है उन क्वेश्चन का इन सेशन में मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।